जो पूरा शेर जाता है ना वो इनको जाता है। सर ने देखो कितनी बड़ी बात बोली, ताली हो जाएगी कि जो भी खाने का टेस्ट दे रहे हैं यहाँ पर वो ये दे रहे हैं शेफ भाई साहब जो कि उत्तराखंड से है। ये मेरी पहचान है, ये मेरी जान है, ये मेरी शान है। रिंग का मजा भी ले सकते हैं, रिंग के अंदर बैठ के तहलका मचा सकते हैं, खाना खा सकते हैं। भारत में एक ऐसी जगह जहाँ पे खली भाई साहब का ढाबा तो है ही, यहाँ पे मनोरंजन भी है, यहाँ पे फाइट भी है, कहाँ पे करनाल में। सर कह रहे हैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पर दिक्कत आती है आने में, तो गूगल पे डालिए द ग्रेट खली ढाबा, खाना आके बाहर निकलेगा और यहाँ पे देखिएगा फाइट और फाइट का मजा लेगा। ये देखिए आप अंडरटेकर के साथ फाइट में छाती में किसी ने पैर रख के ये किया है ना, तो ये भाई साहब ग्रेट खली जी ने ग्रेट खली ढाबा जो बनाया है, ये नंबर वन ढाबा है। तो दोस्तों जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया द ग्रेट खली जी ने, उनके लिए इस वीडियो पे लाइक और शेयर तो बनता ही है यार। नमस्कार दोस्तों, आपका भाई करनाल में द ग्रेट खली ढाबे में यहाँ पे सर मेरे साथ है। तहलका बहुत तगड़ा मच गया है, यहाँ का ढाबे का साइज बहुत बड़ा, बंदों की कमी नहीं हो सकती, 600 बंदे ले आओ, 700 बंदे ले आओ। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा ढाबा है ये, इसका साइज बहुत बड़ा है। यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग की कमी नहीं है, यहाँ पे जितनी मर्जी गाड़ियां लेकर आओ, 5 लाख 10 लाख 15 लाख। और आज आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं सर के यहाँ पर क्या क्या चीजें अलग हैं, हटके हैं, यूनिक है। सर एक बार आप आइए, आप अपने बर्थडे मनाना चाहते हैं, आप अपनी किटी पार्टी बनाना चाहते हैं, आप अपनी एनिवर्सरी मनाना चाहते हैं, आप अपना बर्थडे मनाना चाहते हैं, अपनी एनिवर्सरी मनाना चाहते हैं, इस ढाबे में मनाइए, कोई कमी नहीं है, पूरे खानदान को लेकर आइए, कोई टेंशन नहीं है, भरेगा नहीं। अब दिखाता हूँ यहाँ पर यूनिक क्या क्या चीजें हैं। सर से जो आप बढ़िया खाना खा रहे हैं, ये सारा सामान शेफ का है, ये उत्तराखंड के मेरे बहुत ही अच्छे मतलब भाई है, और इतना खाना स्वाद बनाते हैं जो पूरा शेर जाता है ना वो इनको जाता है। सर ने देखो कितनी बड़ी बात बोली, ताली हो जाएगी कि जो भी खाने का टेस्ट दे रहे हैं यहाँ पर वो ये दे रहे हैं शेफ भाई साहब जो की उत्तराखंड से है। आओ सर से सवाल जवाब करेंगे, सर ने यहाँ पे ये क्या बना रखा है, आइए सर। सर जहाँ से आपने नाम कमाया वहाँ पे आपने एक साइन दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा जैसे बोलते हैं लोग ढाबे पे ट्रक लगाते हैं या कोई और चीज लगाते हैं, मैंने अपना डिस्प्ले के लिए अपना रिंग लगाया है। तो सर क्योंकि ये मेरी पहचान है, ये मेरी जान है, ये मेरी शान है, और जो भी हूँ मैं और रिंग करके हूँ, तो मैंने नहीं सोचा कि इस रिंग से कहीं दूर जाऊँ। क्या बात है, ढाबे ढाबे के अंदर रिंग का साइज दे दिया सर ने, रिंग बना दी। अब सर मेरे को उठा के यहाँ पे खड़ा करेंगे जिससे कि मैं जिससे कि मैं आपको दिखा सकूंगा ये क्या चीज है। सर एक बार ऊपर ले जाओ मेरे को आप, उठा के जी जी बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आप रिंग का मजा भी ले सकते हैं, रिंग के अंदर बैठ के तहलका मचा सकते हैं, खाना खा सकते हैं। बाहर एक बड़ी जबरदस्त चीज है ढाबे के बाहर, उसको मिस नहीं करना, आओ दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया, तो दोस्तों सर के ढाबे में मनोरंजन की कमी नहीं है, यहाँ पे शनिवार और संडे। सर शनिवार संडे, शनिवार ओनली शनिवार, शनिवार को भोजन जिम संडे को करने वाले। अच्छा, यहाँ पे शनिवार संडे को मनोरंजन भी बहुत तगड़ा होगा, जो पूरे भारत देश में किसी के पास आइडिया नहीं था वो हमारे द ग्रेट खली सर के पास था। जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। और सर अगर अगर किसी ने रेसलिंग करनी हो तो ये हमारे बुलबुल है, इधर आ जा रहा है, ये इस है सुपरस्टार रेसलर होगी, बहुत अच्छे रेसलर है। अच्छा, अगर रेसलिंग करनी हो किसी ने, उनका पूरा चैलेंज है, बहुत बढ़िया। सर कह रहे मैडम पटक पटक के मारती है, रेसलिंग में किसी महिला ने मैडम के साथ लड़ाई करनी हो तो मैडम गई, पीछे हट जाना पहले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे हर शनिवार संडे कंपटीशन होगा, बहुत तगड़ा। तो दोस्तों जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया द ग्रेट खली जी ने, उनके लिए इस वीडियो पे लाइक और शेयर तो बनता ही है यार। भारत में एक ऐसी जगह जहाँ पे खली भाई साहब का ढाबा तो है ही, यहाँ पे मनोरंजन भी है, यहाँ पे फाइट भी है, कहाँ पे करनाल में। ये देखिए आप, आपके सामने नजारा देखिए एक बार आप, ये देखिए। बहुत लोगों को लोकेशन की दिक्कत आती है, आप गूगल पे डालिए, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा अभी हमने बोर्ड नहीं लगाए हाईवे में, तो लोकेशन की अगर कोई दिक्कत आती है तो आप गूगल पे सर्च करिए द ग्रेट खली ढाबा, तो ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। जी 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 जी, सर कह रहे हैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पर दिक्कत आती है आने में, तो गूगल पे डालिए द ग्रेट खली ढाबा, यहाँ पे पहुंच जाइए और ये देखिए अंदर ले रहा, यहाँ पर फाइट होगी बहुत जबरदस्त, खाना आके बाहर निकलेगा और यहाँ पे देखिएगा फाइट और फाइट का मजा लेगा। ये देखिए आप, ये होगा शनिवार को, जो फाइट होगी वो शनिवार को होगी।
यहाँ पर लड़ी जाएगी फाइट, तो सर कंपटीशन किसका होगा, मतलब कोई अपने प्लेयर है या कैसे? ये हमेशा ये जो प्लेयर है सैटरडे को आते हैं। अच्छा, जो प्लेयर है वो शनिवार को आते हैं? शनिवार को आते हैं और शनिवार को फाइट करते हैं, क्योंकि आज वो जलंधर पर शो है उनका। ओके। क्योंकि वहाँ पर जो मेरे सीध अभी की रेसलिंग की एकेडमी है। ओके। तो सिर्फ यहाँ पर शनिवार को आते हैं और शनिवार को फाइट होती है और पूरी पार्किंग भर जाती है तकरीबन मतलब ना, तो किसी पार्किंग में रह जाती है, लेकिन बहुत सारे फिल्म आते हैं। सो आने वाले टाइम पे हम इसको आगे संडे को भी हम करेंगे, क्योंकि लोगों की जो डिमांड है दिन पर दिन बढ़ रही है कि हमें रेसलिंग देखनी है, तो आने वाले टाइम पे हम संडे को भी करेंगे। आने वाले टाइम पे संडे को भी यहाँ पे रेसलिंग की जाएगी। सर कह रहे हैं यहाँ पे लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, लोगों का यहाँ पे जो जमावड़ा है ना, शनिवार को पैर रखने की जगह नहीं मिलती। और ऐसा मजा कहाँ पे लोगे आप? कहीं नहीं, द ग्रेट खली ढाबे पे। ये वो देसी बंदे हैं जिन्होंने भाई इंडिया का नाम है ना पूरे वर्ल्ड में फैला दिया कि इंडिया से भी कोई ऐसा रेसलर आया जिसने अंडरटेकर रोग और इनको धूल चटा दी भाई, और अंडरटेकर के साथ फाइट में अगर अंडरटेकर की छाती में किसी ने पैर रख के ये किया है ना, तो ये भाई साहब ग्रेट खली जी ने दोस्तों द ग्रेट खली ढाबा करनाल में। सर बताएंगे किस जगह पर है और यहाँ पे होटल में सीटिंग कितनी बड़ी है और यहाँ पे तहलका लोग कैसे बचा सकते हैं, यहाँ पे रेसलिंग भी होती है। सर ये कौन सी जगह पे है, कहाँ पे? ये जीटी रोड समाना भाव तहसील नीलोखेड़ी डिस्ट्रिक्ट करनाल में पड़ता है। okay. और अंदर 600 के लोगों की सीटिंग है, जबरदस्त। और इतना ढाबा मैंने नहीं अपनी लाइफ पे देखा, क्योंकि मैं मेरा भी जो ट्रेनिंग पे रहता हूँ मैं हमेशा मैंने इतना बड़ा ढाबा लाइफ में कहीं देखा नहीं मैंने। और पार्किंग अपनी भी बहुत बड़ी पार्किंग है, चाहे अगर मतलब 200-300 गाड़ी खड़ी होती है तो ये लगता है कि थोड़ी सी गाड़ी थोड़ी खड़ी है। सो ये मतलब ग्रेट खली ढाबा जो बनाया है ये नंबर वन ढाबा है पूरे हिंदी। क्या बात है, सर ने बताया यहाँ पर 300,000 गाड़ियों की पार्किंग, सॉरी 300 गाड़ियों की पार्किंग है यहाँ पर, बहुत बड़ा ढाबा यहाँ पर। और सर बता रहे खाना खाने के बाद यहाँ पे रेसलिंग का मजा लो यहाँ पर, ये देखो सर बता रहे शनिवार संडे यहाँ पर फाइट होती है और रेसलर आते हैं बहुत बड़े बड़े। बिल्कुल, हर सैटरडे को 6 बजे फाइट होती है और मिस ना करें, आप आइए फाइट भी देखिए और विद फैमिली आइए और खाना भी खाइए। और सबसे बड़ी बात, तहलका प्रैंक की वीडियो जो देखकर आएगा उसको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तहलका मचाते रहेंगे, फेसबुक से लेके यूट्यूब तक छारा वो है हमारा तहलका भाई, करता है केयर दे दो तुम देयर, कॉमन नहीं ये तो बंदा है रेयर, दिल्ली का लौंडा ये सबसे अलग है, तहलका मचाता है ये तहलका मचा